हरी राम जाने हो रानी राम जाने तू जानो हर काम। तो नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करना अच्छे होंगे और मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। विक्रम भाई का वीडियो फिर से एडिट करने वाला हूं दोस्तों। आप लोग स्टार्टिंग में देख के मालूम चल ही गया होगा किस टाइप का वीडियो एडिट किया गया है, वैसा ही वीडियो एडिट करके आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। वीडियो की स्किप मत करिएगा, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे कि आपका भाई इस वीडियो को कैसे एडिट किया है। इसको एडिट करने के लिए कैपकट टाइप की जरूरत पड़ेगा, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कनेक्ट करिए दोस्तों, वहाँ पर मैं दे देंगे। थोड़ा चार्ज लगता है दोस्तों, उसको खरीदना पड़ता है। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी के जरूर ऑन कर दीजिएगा, जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों। बिना देरी के इन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं आ चुका अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मेरा सिक्योर VPN है, इसको मोबाइल फ़ोन से यहाँ पे कनेक्ट कर लिया हूँ। देख सकते हैं, आप भी कनेक्ट कर लीजिएगा तब कैपकट ऐप को चला पाएंगे अच्छे तरह से। चलिए दोस्तों, यहाँ से कैपकट को ओपन करते हैं। ओपन करिएगा दोस्तों तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट लिखा हुआ है गाइस, इस पे जाना है न्यू प्रोजेक्ट पर। उसके बाद फोटो फाइल में जाकर मैं एक ये वाला बैकग्राउंड दे देंगे दोस्तों। ये वाला बैकग्राउंड को क्या करेंगे दोस्तों, फोटो वाला पर टच करिएगा। टच करके इसको दोनों फिंगर से जूम करके दोस्तों इसको इतना पे सेट कर देना है। इधर लास्ट में आ जाना है दोस्तों, यहाँ पर एंड लिखा हुआ है गाइस, इसको यहाँ से डिलीट कर देना है। आप यहां से डिलीट कर दीजिएगा तो इसको 10 से 12 सेकंड कर लेना है लेंथ को बढ़ाकर। चलिए मैं 10 सेकंड कर लिया दोस्तों। उसके बाद क्या करेंगे, इधर में देखिएगा दोस्तों, नीचे में ओवरले का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। ओवरले में आपको जाना है, एड ओवरले पर जाइएगा और वीडियो फाइल में जाकर जो विक्रम भाई का वीडियो होगा, अपना वीडियो जो शूट किए होंगे वो वीडियो आप ले लीजिएगा। मैं विक्रम भाई का शूट कर एडिट करने वाला हूँ दोस्तों, इनका वीडियो को मैं ऐसे जूम करके यहाँ पे सेट कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे। लगाने के बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, वीडियो पर अपने वाला वीडियो पर टच करिएगा। टच करने के बाद इधर में आना है कट आउट का ऑप्शन में, नीचे में देखिएगा एक कट आउट का ऑप्शन दिया हुआ होगा, यहाँ पे देख सकते हैं। कट आउट में जाना है, उसके बाद क्रोमा की के ऑप्शन में चला जाना है। यहाँ से क्रोमा की पर आप क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों। क्लिक कर देंगे तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे रिंग बना हुआ है दोस्तों, इस रिंग को ग्रीन कलर पे आपको करना है। ग्रीन कलर पर कर दीजिएगा तो इस वाला ऑप्शन पे क्लिक एक बार कर देना है। करने के बाद यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा, इसको यहाँ से अच्छे तरह से इसे रिमूव यहाँ से करिएगा अपने हिसाब से दोस्तों। वीडियो में ऐसे बैकग्राउंड इसका यहाँ से रिमूव हो जाएगा। रिमूव हो जाएगा तो उसके बाद क्या करना होगा दोस्तों, यहाँ से देखते हैं पहले वीडियो चला कर। यहाँ से बोल रहे हैं राम जाने, तो यहाँ राम जी का वो फोटो लगाना है इमेज, उसका भी लिंक दे देंगे दोस्तों। आप वहाँ से डाउनलोडिंग कर लीजिएगा, नहीं तो आपके पास होगा तो वहाँ से गूगल से अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे वो डाउनलोडिंग कर लीजिए। उसके बाद एड ओवरले पे जाना है दोस्तों। एड ओवरले पे जाइएगा दोस्तों, फोटो फाइल में जाकर वो राम जी का जो फोटो होगा वो आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, राम जी का एक फ़ोटो मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। ये राम जी का फ़ोटो है दोस्तों, इसको मैं इतना बड़ा कर लेंगे। इतना बड़ा करने के बाद हमको क्या करना होगा दोस्तों, नीचे में स्क्रॉल करके भगाइएगा, यहाँ पे देखिएगा कट आउट का ऑप्शन दिया हुआ है, कट आउट में जाना है दोस्तों। उसके बाद रिमूव बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से फ़ोटो का जो रिमूव हो जाएगा बैकग्राउंड, उसके बाद यहाँ से एक बार सेव करके यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक लेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, लेयर पे आपको क्लिक कर देना है, इसको ऑन कर देना है। एक नंबर में कर दीजिएगा तो ये बैक में चला जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा दोस्तों, ये फ़ोटो का लेंथ को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इतने बड़ा रखना है। इतना बड़ा रख कर आपको स्क्रॉल करके भगाइएगा इधर में। इधर में देखिएगा स्टार्टिंग का सब पास है, यहाँ पर एनिमेटिक एनिमेटिक में जाना है दोस्तों। यहाँ से मीटिंग में जाकर यहाँ से एक एनिमेशन दे देना है, उधर से फ़ोटो जो निकलेगा उसका एनिमेशन यहाँ पे दे देना है। चलिए दोस्तों, नेट स्लो चल रहा है, मेरा VPN स्लो काम कर रहा है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत करिएगा नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पर मिलेगा एथी करने के लिए, ये साइड थ्री वाला क्लिक करके इसको हम यहाँ से सेव कर देंगे। ऐसा ही इधर में देख रहे हैं विक्रम भाई, तो यहाँ पे भी राम जी का वो फोटो ऐड करना है, तो इसको हम कॉपी करके यहाँ से क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ होगा, यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉपी का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। इसको हम यहाँ से कॉपी करके
इसको इधर में सेट को थोड़ा आगे बढ़ा के यहाँ पे जहाँ से इधर में घूम रहे हैं इधर में इस फोटो पर टच करेंगे, इसको हम यहाँ पे कर देंगे। यहाँ पे करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर जाना है लेयर का ऑप्शन में। यहाँ पे लेयर में जाइएगा दोस्तों, यहाँ पे लेयर पर जाकर इसको वन कर दीजिएगा। वन करके आपको फिर चल जाना है इधर में इनमेटिक वाला में ऑप्शन में, इनमेटिक में जाकर इसको साइड वाला इधर वाला कर दीजिएगा, ये वाला ऐसा हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं तू जाने, तो फिंगर पे जो टच करते हैं वो सेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ से बैक आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों देखिएगा एक स्टिकर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस स्टिकर पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करिएगा तो ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, थोड़ा लोडिंग ले रहा है दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारा स्टिकर मिलता है दोस्तों लगाने के लिए, अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे। चलिए ये दिल वाला हम लगाएंगे, यहाँ से सेव कर देंगे इसको। इसका लेंथ को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इतना बड़ा रखेंगे दोस्तों। ये स्टार्टिंग में देखते हैं उनका फिंगर का पास सेट होता है कि ना, अच्छा से सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ से हर काम जाने, यहाँ पे लड़की का भी फोटो लगा सकते हैं। उसको लगाने के लिए आपको ओवरले का ऑप्शन में आना होगा दोस्तों। यहाँ पे ओवरले पे आप क्लिक करिएगा दोस्तों, एड ओवरले में जाना है। उसके बाद वो लड़की वाला फ़ोटो आप यहाँ से ऐड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों मैं एक फ़ोटो को यहाँ से ऐड कर लेता हूँ, यही फ़ोटो को ऐड करेंगे। इसको इतना बड़ा करके यहाँ पर इसको लगा देंगे। यहाँ पर लगाने के बाद आपको क्या करना होगा, इसका लेंथ को ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, थोड़ा सा रखना है। इसको करके भगाइएगा, यहाँ पर कट आउट में आपको जाना है दोस्तों। कट आउट में जाकर यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड कर देना है, इसको रिमूव बैकग्राउंड कर दीजिएगा तो बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाएगा। इसको थोड़ा यहाँ पे कर देना है। उसके बाद फ़ोटो पर टच करिएगा दोस्तों, यहाँ पे लेयर का ऑप्शन में चल जाना है। यहाँ पे लेयर पे आप जाइएगा, इसको वन कर दीजिएगा, एक नंबर में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इनमेटिक में चल जाना है, इधर में इनमेटिक का ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। यहाँ इनमेटिक में जाके इसको एक अच्छा इनमेटिक यहाँ से दे दीजिएगा, ये वाला अच्छा लगेगा। उसके बाद अब बारी आ गया है टेक्स्ट लिखने का, यहाँ से लिखते हैं। तू जाना है, तू बोल रहा है, तो यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है दोस्तों। उसको लिखने के लिए यहाँ पे यहाँ टेक्स्ट वाला ऑप्शन में जाना है दोस्तों। टेक्स्ट में जाके यहाँ पे लिखना है, फिर एड टैक्स पे क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ पे तू लिखना है, टी यू तू हो गया। उसके बाद फंड पे क्लिक कर देंगे दोस्तों, फंड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे बहुत सारा फंड आएगा दोस्तों, यहाँ पे लोडिंग ले रहा है, तब तक ले वेट कर लेते हैं। वीडियो का स्किप नहीं करिएगा दोस्तों, नहीं समझ पाएंगे आप। यहाँ पे बहुत सारा फंड आ गया है दोस्तों, अपने हिसाब से जो भी अच्छा लगे। मैं यही रखेंगे दोस्तों, इसको यहाँ पे ऊपर कर देना है। ऊपर करके उसके बाद इफेक्ट वाला ऑप्शन में दोस्तों जाना है। यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इफेक्ट पर जाकर कोई अच्छा इफेक्ट इसमें अप्लाई कर देना है। चलिए मैं अपने हिसाब से देखता हूँ, ये इस वाला ऑप्शन, ये वाला इफेक्ट अच्छा लग रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, इतने बड़ा रखेंगे। इसमें एक स्कोर करके इधर में भगाएंगे, यहाँ पे इनमेटिक का ऑप्शन इसी में दिया हुआ है। इनमेटिक में जाना है दोस्तों, यहाँ पे जाके एक इनमेटिक दे देना है इसमें। चलिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, नीचे में आइएगा, जूम आउट टू लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा जूम आउट टू पे आपको क्लिक कर देना है। जूम आउट टू पर क्लिक करके इसको 0.1 कर दीजिएगा, 0.1 कर देंगे दोस्तों। इसे हर काम जाने, यहाँ पर काम सेट करना है, तो फिर आपको क्या करना होगा, फिर जाना होगा यहाँ पे टेक्स्ट पे काम लिखने के लिए। इस पे क्लिक करिएगा, उसके बाद यहाँ पे काम लिख दीजिए, काम काम हो गया दोस्तों। उसके बाद इन मीटिंग में यहाँ से चल जाना है, उसके बाद जूम आउट टू लिख देना है। इसका 0.1 इसको भी कर देना है दोस्तों, 0.1 पे इसका लेंथ को एकदम छोटा कर देना है, इतना बड़ा रखना है दोस्तों। ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पे दिल वाला, यहाँ पे दिल सेट करना है दोस्तों। यहाँ पे
आपको कैसे करना है होगा, यहाँ पे आ जाइएगा, यहाँ पे जहाँ पे सीने पर हाथ रख रहे हैं उसके बाद यहाँ से बैक हो जाना है। बैक हो जाने के बाद आपको क्या करना होगा, ओवरले का ऑप्शन में जाना है। एड ओवरले में जाकर एक दिल वाला वीडियो का मैं लिंक दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोडिंग कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, दिल वाला वीडियो मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, यही है दोस्तों दिल वाला वीडियो। इसको क्या करेंगे दोस्तों, ब्लेंडिंग के ऑप्शन में जाएंगे, इसके बाद यहाँ फिल्टर कर देंगे। फिल्टर करके देखिएगा, जो भी अच्छा लगे अपने हिसाब से रखिएगा दोस्तों। यहाँ पे वीडियो का जगह में एक दिल का इमेज सेट करेंगे तो और अच्छा लगेगा, उसको भी सेम ऐसे ही करना होगा, कैसे मैं बताता हूँ। अब क्या करिएगा, यहाँ पे आ जाना है स्टार्टिंग में, जहाँ पे यहाँ पे दिल है दोस्तों, ध्यान से देखिए, यहाँ पे हाथ का सामने दिल है। क्या करिएगा, यहाँ पे क्लिक करना है दोस्तों, प्लस वाला आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। थोड़ा आगे बढ़िएगा, जैसे हाथ मूवमेंट होगा वैसे जूम करके इसको इतना बड़ा कर देना है, और थोड़ा इधर कर देना है। आप ब्लैक शॉर्ट पहने रहते तो बहुत अच्छा दिल दिखता। विक्रम भाई इमेज को यहाँ पे एथिक किए हैं, ऐसे आप सेव करके वीडियो को ऐसे बना दोस्तों। वीडियो बन के तैयार हो गया दोस्तों। इसको सेव करने के लिए आपको यहाँ तीर वाला आइकन पर क्लिक करना है, यहाँ से गैलरी में वीडियो एक्सपोर्ट होना चालू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, बाय बाय।